हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथ्स बाय अनवर सर, वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव के गुणधर्म। सो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार हम प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, यानी कि हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, है ना, कैसे किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को जो है वो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा था बाई स्केलर, और किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो हमने सब कुछ सीखा था। सो आगे पढ़ते हैं हम कि प्रॉपर्टीज क्या होती है मैट्रिक्स की। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं यहाँ पे कि जैसे कि अगर मेरे पास में कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है ई, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ये दे रखा है, ठीक है। और अगर मान लो कि मुझसे अगर ए स्क्वायर पूछा जाए, ये क्या होगा, तो ऐसा नहीं कि आप इसका स्क्वायर कर दो, है ना, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, ए स्क्वायर होता है ए मल्टीप्लाई ए, यानी आपको ए मैट्रिक्स को वापस क्या करना है, उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड वापस 1 2 3 4, और वही अपना जो है वो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन करने वाला रूल जो है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसी से जो है वो मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मान लो आगे और पूछ लिया जाए कि बताइए ए क्यूब कैसे निकलेगा, है ना, कि ए क्यूब कैसे निकलेगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली इसको ए स्क्वायर इंटू ए कर दो। तो पहले आप क्या करो, ए स्क्वायर फाइंड कर लो जो भी इससे वैल्यू आएगी, और फिर उसके बाद में क्या करो, वापस यहाँ पे ए स्क्वायर से जो भी वैल्यू आएगी, और फिर वापस क्या करो, आप यहाँ पे ए को रख दो और मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में ए क्यूब आ जाएगा। इस तरीके से ए की पावर 4, तो इतना अब बहुत है ना, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अपन जो है वो ए क्यूब ए स्क्वायर जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो मैंने आपको यूनिट मैट्रिक्स के बारे में बताया था, उसके बारे में मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे कि यूनिट मैट्रिक्स मैंने बताया था कि वो एक तरह से क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है ना, और डायगनल मैट्रिक्स भी होती है एक तरह से, बट उसके जो डायगनल के जो एलिमेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, यूनिट यानी 1 होते हैं। तो और उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इकाई अवयव को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मान लो ये मेरे पास में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो कौन से ऑर्डर का है, ये 2 × 2 ऑर्डर का है, तो कहीं कहीं जगह इसको जो है ना वो I2 भी लिखा हुआ होता है, अरे बात समझ में। और अगर मान लो ये I3 हो, तो इसका मतलब कौन सी मैट्रिक्स है वो 3 × 3 ऑर्डर की है, और ये अंडरस्टूड है कि ये जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। सो इसी तरीके से जो है वो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखते हैं ना, I3 का मतलब ये 3 × 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये 2 × 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे आपको देनी थी। तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स पे। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कि परिवर्त अवयव। अब ये क्या चीज है, कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो हम ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और सबसे पहले बता दूं, इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो उस इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए ट्रांसपोज, या हम लिखते हैं इसको ए डैश, ठीक है। ये सिंबल है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का। अब सुनो कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है क्या, कि वो मैट्रिक्स है ना, वो मैट्रिक्स, या मैं इसको पहले लैंग्वेज में बोल देता हूं कि द मैट्रिक्स ऑप्टेन बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ दैट मैट्रिक्स जिसका हम जो है वो ट्रांसपोज फाइंड करना चाह रहे हैं। यानी सीधा सा सिंपल सा मीनिंग है मेरे यहाँ पे कि अगर आपके पास में कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स आपके पास में ए है, और वो मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से है, एम इंटू एन ऑर्डर की आपके पास में मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स, कैसे भी मैट्रिक्स हो, ठीक है ना। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स है, आपने क्या किया कि अगर इसकी रो
और कॉलम को आपस में क्या किया है, इंटरचेंज कर दिया है। आप एक ही दिमाग में रखो, एक ही चीज दिमाग में रखो, या तो रो को कॉलम में बदल दो या कॉलम को आप क्या करो रो में बदल दो, एक ही चीज दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ जो इसका ट्रांसपोज निकल के आएगा वो इस तरीके से होगा, यानी कि ए जे आई एन इंटू एम। यानी सिंपल सा यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि आपने रो को क्या किया है, आपस में इंटरचेंज कर दिया है कॉलम से। यानी आपने पंक्तियों को, है ना, आपने पंक्तियों को जो है वो स्तंभों में बदल दिया है, या स्तंभों को आपने क्या किया है पंक्तियों में बदल दिया है। सिंपल है, बस यही चीज दिमाग में रखनी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, ये मैट्रिक्स है मेरे पास में, कोई 102 -1 3 4 ये मैट्रिक्स है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 0 1 4 ये मैट्रिक्स है। मुझे जो है वो इन दोनों का ट्रांसपोज निकालना है। तो सिंपल सा मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यहां पे क्या बताया कि जो मैट्रिक्स है आपके पास में उसका ट्रांसपोज करना है। तो आप क्या होगा यहां पे कि जो रोज है वो किसमें बदल जाएगी, कॉलम में बदल जाएगी। यहां पे ये एम क्या है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे अब एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को, और यहां एम किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। अभी देखना कैसे, तो अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो सीधा ही मैं क्या करूंगा, इस रो को कॉलम में बदल दूंगा। तो ये देखो 1 0 2, और इस रो को भी मैं क्या करूंगा कॉलम में बदल दूंगा, सो -1 3 4। ये देखो, आ गई बात समझ में, आई ना बात समझ में। तो यहां पे मैंने क्या किया है कि रो को कॉलम में बदल दिया, तो जिससे मुझे क्या फाइंड हो गया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखो यहां पर क्या चीज, यहां से हम जो है वो हमें क्या चीज देखने को मिलती है इंपॉर्टेंट, वो ये है, आप इसको नोट पॉइंट की फॉर्म में भी लिख लेना, आप इसको नोट पॉइंट की फॉर्म में लिख लेना, वो ये है कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ठीक है। यहां से ये कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल के आता है। देखो कैसे है? अगर मैं बात करूं कि ए 1 3 की, तो क्या ये इक्वल होगा ए 3 1 के? अकॉर्डिंग टू दिस, अगर ए 1 3 है तो इक्वल किसके होना चाहिए, ए 3 1 के। चलिए बात करते हैं, क्या ये ए 1 3 है? ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं ना, जब ट्रांसपोज हो जाता है, जब ट्रांसपोज हो जाता है तो ये कंक्लूजन निकल के आता है कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, वेर यहां पे ए क्या है, आयथ रो जेथ कॉलम, यहां पे जेथ रो और आयथ कॉलम, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से, तो ए 1 3 क्या है मेरे पास में, 2। तो अब बात करते हैं यहां पे ए 3 1, तो देखो ये ए 1 1, ये ए 1 1, ये ए 1 2, ये ए 2 1, ये ए 2 2, और ये देखो ए 3 1, और ये ए 3 2। तो देख लो आप खुद ये कि ये जो 2 है, ए 1 3 और ए 3 1, कोई भी ले लो ना आप, किसी को भी ले लो आप, जैसे कि अगर ए 2 2 की बात कर लो, मान लो चलो ऐसा ये नहीं करते हैं, ए 1 2 की बात करो चलो, तो वो किसके इक्वल होगा, ए 2 1 के इक्वल होगा। तो देख लो ए 1 2 कहाँ गया, यहाँ पे बात करते हैं, तो ये देखो ए 1 1, ए 1 2, ये ए 1 3 हो गया, ये ए 2 1, ये ए 2 2, और ये ए 2 3। सो सिंपल सा यहाँ पे देखो ए 1 2, तो ए 1 2 क्या मेरे पास में, 0, ये किसके इक्वल होगा, ए 2 1 के। तो ये देख लो यहाँ पे ए 2 1, तो ये क्या है, इक्वल है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में ए आई जे इज इक्वल टू क्या होता है, ए जे आई होता है, ठीक है, ओके। इसकी बात कर लेते हैं, तो इसका ट्रांसपोज निकालता है ना, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखो क्या होगा, रो को कॉलम में बदल दो, सो 2 1, ये हो जाएगा मेरे पास में 0। तो सेम यहां पे भी अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि ए 1 2 क्या है, तो ए 1 2 में बोलूंगा कि क्या है यहाँ पे मेरे पास में 1, और पूछा जाए कि ए 2 1 क्या है, तो वो मेरे पास में वो भी क्या है 1। तो यानी ए आई जे इज इक्वल टू क्या होता है, ए जे आई होता है। तो सिंपल सा दिमाग में ये रखना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स हो, उस मैट्रिक्स के आप रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो, जो भी मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो क्या होगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, सिंपल, ठीक है। So, ये था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, फटाफट नोट करो, और फिर इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से हम जो है वो दो प्रॉपर्टी, या हाँ सही है, दो प्रॉपर्टी जो है वो और निकल के आती है, यानी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो उनको भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप ये नोट करो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब अपन सेकंड प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ दो चार पॉइंट है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। इनको याद रखना, आप इनको रिमार्क या नोट पॉइंट के फॉर्म में लिख लेना। वो क्या है, सो फर्स्ट कि अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और फिर वापस उसको उसका आपने ट्रांसपोज किया तो वह आपको जो है वो वही मैट्रिक्स जो है वो निकल के आती है। क्लियर? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये मेरे पास में मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालता हूं मैं। तो ट्रांसपोज निकाला तो मेरे पास में आ गया, 1 रो को कॉलम में बदल दिया, इस रो को भी मैंने कॉलम में बदल दिया, तो ये ट्रांसपोज निकल के आ गया। अब फिर से मैं क्या कर रहा हूं, इसका ट्रांसपोज करने जा रहा हूं, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए का फिर ट्रांसपोज। तो वो मेरे पास में देखो इस रो को मैं वापस कॉलम में बदल दूंगा और इस रो को मैं फिर से कॉलम में बदल दूंगा। तो देखिए क्या ये वापस वही ए मैट्रिक्स निकल के आई, क्या ये ए के इक्वल है? तो ये आप समझ लो कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके फिर ट्रांसपोज कर दो तो आपको वही मैट्रिक्स वापस मिलती है। क्लियर? नाउ सेकंड, एक आपके पास में कोई स्केलर क्वांटिटी है के, ए ट्रांसपोज निकालने जा रहे हो, तो सिंपल सा आपको करना क्या है, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो के से। वेयर के, वेयर के स्केलर, ठीक है ना, के क्या है, स्केलर है। अब इसका ट्रांसपोज क्या करोगे आप, ठीक है? सो आपको करना कुछ नहीं है, के ए डैश लिखा हुआ है तो आप ए का ट्रांसपोज निकालो और फिर उसको क्या करो वापस जो है वो के से मल्टीप्लाई कर दो सारे एलिमेंट से। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स आपके पास में है, आपने उनको ऐड किया या आपने उसको सब्ट्रैक्ट किया, दोनों में से कुछ भी किया, फिर आपने उनका ट्रांसपोज निकाला तो वो इक्वल निकल के आता है ए का ट्रांसपोज प्लस, अगर एडिशन है तो, और सब्ट्रैक्शन है तो माइनस बी का ट्रांसपोज, ये ठीक है ना, यानी ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो एक तरह से प्रॉपर्टी है ये ट्रांसपोज की। ओके, नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड आपके बुक्स में क्वेश्चन भी दे रखे हैं और एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आता है, फोर्थ प्रॉपर्टी, यानी ये दो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A मल्टीप्लाई B का ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज, आ रही बात समझ में? ये प्रॉपर्टी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैट्रिक्स में आपको पहले बताया था ऑर्डर जो है यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तभी होता है जब, मैंने आपको वैसे कल बता रखा है सारा, है ना। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप जो है वो प्रीवियस जो लेक्चर है आप उसको जरूर देखिए, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टी जो है वो मेन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की, ठीक है ना। अब इसके बाद हम जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, तो ये नोट कर लीजिए फटाफट। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं अब सेकंड प्रॉपर्टी पे, वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं सममित अवयव, सममित अवयव, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक कब होती है, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो फर्स्ट ये कि जो मैट्रिक्स है वो होनी चाहिए एक तो स्क्वायर, यानी वो वर्ग अवयव होनी चाहिए। अब किसको बोलते हैं वर्ग अवयव, मैंने बता रखा है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों के संख्या के इक्वल हो, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो पहली बात तो ये पता चल गई कि मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं कि ये तो फर्स्ट कंडीशन, नाउ सेकंड क्या कि जो आपके पास में मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज अगर वापस वही मैट्रिक्स निकल के आए तो उसको हम बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई बात समझ में? वापस देखते हैं, मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, और उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो क्या निकल के आना चाहिए, वापस वही मैट्रिक्स निकल के आनी चाहिए, तो हम बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या है, जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ओके, तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो कैसे है।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये एक मैट्रिक्स है, कुछ भी ले लो, 1 -2 -2 4, ये मैंने मैट्रिक्स ली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो है वो ट्रांसपोज निकालने जा रहा हूँ। तो देखिए इसका ट्रांसपोज निकालता हूं मैं, इसका ट्रांसपोज तो क्या करूंगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल दूंगा। तो देखो ये जो रो है इसको मैं कॉलम में बदल रहा हूँ, यानी 1 -2 रो को इसको कॉलम में बदल दूंगा और फिर इस रो को वापस कॉलम में बदल दूंगा, तो -2 4। आ रही बात समझ में? यानी क्या क्या है, रोज को मैंने जो है वो कॉलम में इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी जो ए मैट्रिक्स है उसको हम बोलेंगे कौन सी मैट्रिक्स, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर की। चलिए अपन जो है वो 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स की भी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स मेरे पास में है, कुछ भी एलिमेंट ले लेता हूँ मैं, ई एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ये जो है मैंने एक मैट्रिक्स ली है, ठीक है। अब मैं इसका जो है वो ट्रांसपोज निकालने जा रहा हूं। तो देखो ट्रांसपोज में क्या करेंगे, इस रो को फर्स्ट कॉलम में बदल देंगे, यानी ए एच जी इसको मैंने जो है वो कॉलम में बदल दिया, एच बी एफ इस रो सेकेंड रो को मैंने सेकेंड कॉलम में बदल दिया एच बी एफ, एंड और थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम में बदल दिया यानी जी एफ सी। तो वापस देखो आपको जो है वो ट्रांसपोज जो है वो क्या निकल के आया, वही मैट्रिक्स निकल के आई। इसी को हम बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा एक चीज जो मैंने आपको जो है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में बता दी थी, कौन सी वाली, ये ए आई जे इज इक्वल टू ए जे, हालांकि मुझे इसको इसमें बताना था, ठीक है ना। सिमेट्रिक का मतलब वही है कि मतलब नाम से ना सिमेट्रिक, यानी सममित, हिंदी में बोलते हैं क्या, सममित। यानी अगर मैं यहां से जो है वो A12 निकालना चाहूं तो किसके इक्वल आना चाहिए, A21 के इक्वल आना चाहिए। अब बात करते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर A12 कौन सा है, सॉरी इस मैट्रिक्स में A12 कौन सा है, ये है मेरे पास में A12। नाउ इस मैट्रिक्स की बात करें तो A21 कौन सा है, तो यही है ना A21, देखो ये इसके इक्वल है। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जो एलिमेंट होते हैं है ना, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, यानी इसमें क्या होता है कि जो रो है जो किसमें बदल जाती है, कॉलम में बदल जाती है। तो सिंपल सा मेरा कहने का मतलब यही था, अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करनी हो तो सबसे पहले तो वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और उसका ट्रांसपोज जो है वो वापस वही मैट्रिक्स निकल के आए उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट्स इट, ठीक है। नोट करो फटाफट, फिर हम पढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 डिस्कस करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं विषम सममित अवयव। ओके सो एग्जांपल पे तो अभी बाद में बात करेंगे, सबसे पहले समझते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन तो सेम है कि जो मैट्रिक्स है वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी है। मैट्रिक्स तो क्या होनी है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कौन सी, वर्ग अवयव होनी है। ओके बता रखा है वर्ग अवयव क्या है। नाउ सेकंड कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो उसके नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। नहीं ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए, और इसके सिमेट्रिक में क्या था कि इसका ट्रांसपोज जो है वो वही मैट्रिक्स जो है वो निकल के आती है। ये अपन ने जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित अवयव में पढ़ा था, विषम सममित में जो है वो ये होता है। ओके सो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा है यहाँ पे, चेक करते हैं अपन। सो देखो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज तो क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो जो है वो कॉलम में बदल देते हैं 0 -4, एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, सो 4 and 0। अब यहाँ पे मैं एक चीज करना जा रहा हूँ, यहां से जो है वो मैं नेगेटिव कॉमन लेने जा रहा हूँ, यानी नेगेटिव वो 1 बोल दो आप, है ना, -1 कॉमन लेने जा रहा हूँ। तो देखो यहां से अगर मैं -1 कॉमन लूंगा, अच्छा एक चीज बताता हूँ मैं यहाँ पे, ये चीज मैं पहली बार बता रहा हूँ कि किसी मैट्रिक्स से कोई चीज कॉमन लेना, मल्टीप्लिकेशन तो सीख लिया था कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरे ही जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं सब में मल्टीप्लाई होता है। इसी तरीके से अगर आप मैट्रिक्स में से कोई चीज कॉमन लेते हो तो वो सारे ही एलिमेंट में से कॉमन आता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो ये तो 0 ही होगा, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये -4 और ये 0, क्या ये -a के इक्वल है, चेक कर लो, है ना। ए तो ये था मेरे पास में,
ये माइनस तो है ही है, और ये देखो वापस ए निकल के आ गया, यानी जो ट्रांसपोज था वो क्या निकल के आया, माइनस ए निकल के आया। तो इसका मतलब हम इस मैट्रिक्स को बोल सकते हैं कौन सी है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? ओके, इस पे आ जाता है, इसका ट्रांसपोज निकालो। इसका ट्रांसपोज देखो, जीरो माइनस एच माइनस जी, इस रो को मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, सो एच जीरो एफ। इसी तरीके से इसको भी जी माइनस एफ जीरो। ठीक है, अब क्या करते हैं, वही वापस यहां से माइनस कॉमन ले लो, ये माइनस मैंने कॉमन लिया, तो देखो क्या हो जाएगा, ये जीरो, ये हो जाएगा एच, ये जी, इसी तरीके से ये माइनस एच, ये जीरो माइनस एफ, दिस इज माइनस जी एफ, और फिर ये जीरो। आगे बात समझ में आ रही ना, बात समझ में? तो अब देखो ये क्या, ये माइनस ए के इक्वल है, तो देखो माइनस तो है ही पहले से ही है, और देखो ये जो मैट्रिक्स थी वो यही मैट्रिक्स है मेरे पास में, तो इसका मतलब ट्रांसपोज जो निकला वो किसके इक्वल आया, माइनस ए के निकल जो है वो इक्वल निकल के आ रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट कि मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए वो, और जो ट्रांसपोज है वो क्या आना चाहिए, उसके नेगेटिव वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। ओके, अब यहां से जो है वो कुछ कंक्लूजन या रिमार्क निकल के आता है, वो मैं लिखता हूं, फिर आप भी इसको जो है नोट कर लेना। ठीक है, फर्स्ट रिमार्क क्या है कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जी आई, है ना? जैसे कि सिमेट्रिक में तो क्या था कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, इसी तरीके से यहां पे होता है ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां से ए वन टू निकालना चाहूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा, माइनस ए टू वन के इक्वल आएगा। आ रही बात समझ में? सही है। ओके, तो अब बात करते हैं हम यहां पे, तो ये तो पता चल गया कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। आप एग्जाम्पल भी लेके जो है वो देख सकते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए वन टू की बात करता हूँ, अगर मैं ए वन टू की बात करता हूँ, तो देखो मेरे पास में यहाँ पे जो है वो ए वन टू क्या है, यहाँ पे ए वन टू क्या है, तो ये है मेरे पास में माइनस फोर। ए वन टू क्या है मेरे पास में, माइनस फोर ही तो है ये मेरे पास में। ए वन टू की बात करें तो मेरे पास में माइनस फोर, ठीक है। और इस तरीके से ए टू वन की बात करो, देखो इस ट्रांसपोज के अंदर ए टू वन क्या है, फोर, और फिर वापस आगे क्या लगा है, माइनस लगा, तो वो क्या है मेरे पास में, ए टू वन भी क्या है, माइनस फोर, है ना? तो इसी तरीके से जो है वो हम यहाँ पे एक ये जो है वो रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। तो यहाँ पे वही बात कर रहा था कि ए आई ए वन टू माइनस फोर है, और इस तरीके से अगर ए जे आई की बात करूंगा तो वो क्या है, फोर, और ये आगे माइनस लगा तो माइनस फोर, तो इसका मतलब ये इक्वल होता है। तो फर्स्ट रिजल्ट तो ये रिमार्क। नाउ सेकंड की बात करते हैं। अब इससे जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आने वाला है। देखो अगर मान लो आई इज इक्वल टू जे हो, सेकंड अगर आई इज इक्वल टू जे, सॉरी आई इक्वल टू जे, यानी रो और कॉलम, मतलब आई थ्रो और जेथ कॉलम जो है वो इक्वल के, जो मतलब अगर मतलब जिस एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, वो इक्वल है। फॉर एग्जांपल की ए वन वन, है ना, ए टू टू, ए थ्री थ्री, इनकी बात करने जा रहा हूं मैं, ठीक है ना, इनकी बात करने जा रहा हूं। तो यहां पे क्या होगा, देखो यहां से कि ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, यानी आई जो जे के इक्वल मैंने क्या रख दिया, आई रख दिया ना, ठीक है। इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो ये टू ए आई आई इज इक्वल टू जीरो, सो देखो ए आई आई इज इक्वल टू निकल के क्या आया, जीरो। क्लियर है? अगर मैं यहां से आई इक्वल टू वन रखता हूं तो इसका मतलब ए वन वन क्या होना चाहिए, जीरो, ए टू टू क्या होना चाहिए, जीरो, ए थ्री थ्री क्या होना चाहिए, जीरो। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप दोनों ही एग्जाम्पल देख लो, आप दोनों ही एग्जाम्पल देख लो कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसमें जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो हमेशा जो है वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। किसके, सिर्फ डायगोनल की बात कर रहा हूं मैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं। इस रिजल्ट से आपको क्लियरली पता चल रहा होगा, ये देख लो ए वन वन, ये ए टू टू, ये ए थ्री थ्री, इसी तरीके से ये ए वन वन और ये ए टू टू। अगली बात समझ में? तो ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें बताना।
तो इसके सिमे आई होप कि आपको इसके सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास में कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो क्या मैं उससे जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो फाइंड कर सकता हूँ क्या? तो बिल्कुल, हम जो है वो हमारे पास में कोई भी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उससे हम जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे। सो इसको जो है वो मैं नोट पॉइंट के फॉर्म में लिखवाता हूँ, नोट पॉइंट। तो देखो फर्स्ट नोट पॉइंट क्या है, ठीक है ना। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो हिंदी में भी लिख लेता हूँ, तो हिंदी मीडियम वाले नाराज हो जाएंगे, है ना, इसलिए मैं किसी को नाराज करना नहीं चाहता। यदि ए एक वर्ग अवयव है, यदि ए एक वर्ग अवयव है, तो ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, यानी कि ए प्लस ए डैश क्या निकल के आएगा? सममित अवयव, ठीक है ना, सममित अवयव निकल के आता है। सेकंड चीज, ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ए प्लस ए डैश तो क्या निकल के आएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए माइनस ए डैश क्या निकल के आएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी परिवर्त अवयव। ओके, अब समझते हैं कैसे निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक और लिख लूंगा यहां पे, है ना, कि ए डॉट ए डैश एंड ए डैश ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। इसकी सिमेट्रिक समझ गए ना हिंदी मीडियम वाले? विषम सममित, विषम सममित, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में ए है, ए मैंने ले लिया 1 2 3 4, ओके, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज क्या आएगा? 1 रो को कॉलम में बदल दो, इस रो को कॉलम में बदल दो। नाउ ए प्लस ए डैश निकाल लो, तो देखो ए प्लस ए डैश क्या आएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दो, 2। इसी तरीके से ये हो जाएगा 5, ये 5, और 4 और 4 मिला के ये क्या हो जाएगा? 6। सही है, चेक कर लो क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप इसका ट्रांसपोज जब निकालोगे, या आप, हाँ, आप अगर इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो देख लो, रो को कॉलम में बदलो और इस रो को कॉलम में बदलो, तो देखो 2 5, तो ये 2 5, 5 6, तो ये 5 6, तो क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई। तो इसी तरीके से आप भी ट्राई करके देखना कि ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल के आएगी, ए डॉट या ए मल्टीप्लाई ए डैश या ट्रांसपोज ऑफ ए जो है, या ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए, वो भी क्या निकल के आएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही निकल के आने वाला है। आगे बात समझ में। तो ये है एक नोट पॉइंट कि हम किसी भी मैट्रिक्स से जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, ये नोट करिए, फिर एक सेकेंड नोट पॉइंट और अपन डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड नोट पॉइंट पे बात करते हैं कि फर्स्ट तो अभी हमने पढ़ लिया कि कोई भी अगर मेरे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम उसको जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में भी जो है वो हम लिख सकते हैं, या उससे जो है वो हम सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह के सेकेंड पॉइंट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये सेकेंड पॉइंट, ये इस पर भी वेस्ट बोर्ड में जो है वो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। सो स्टार्ट करते हैं, क्या है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपके पास में है, तो उसको आप
सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में लिख सकते हो, और उनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो है वही मैट्रिक्स जो है वो निकल के आएगी। अभी अपन एग्जांपल करेंगे तो उसे समझ में आएगा। हिंदी में बताऊं तो प्रत्येक वर्ग अवयव को सममित तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में, सममित तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में, योग के रूप में लिखा जा सकता है। अरे बात समझ में, यानी कि मेरे पास में एक वर्ग अवयव है, उसको हम जो है वो सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में जो है हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये मैट्रिक्स है ये, ठीक है, तो इसका इस जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, यही तो होगा ए प्लस ए डैश, ये तो क्या होगा सिमेट्रिक, और ये क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक, यही होगा ओके। अब बात करते हैं कि ये जो है वो इनका योग, तो योग की बात कर लेते हैं, तो वो मेरे पास में क्या प्लस, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां किसी स्केलर क्वांटिटी से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वो सिमेट्रिक ना होगा, कोई और हो जाएगा? नहीं, वो सिमेट्रिक ही रहेगा। मान लो अगर मैं यहां से 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एनी नंबर, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, तो क्या वो चेंज हो जाएगी? क्या नहीं होगी, वो तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इसलिए 1/2 से मल्टीप्लाई किया, और इस तरीके से मैंने यहां पे भी क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया। कोई भी नंबर हो सकता है, किसी से भी कर सकते हो, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो वो जो है वो इसी के इक्वल निकल के आती है। यही है क्या कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम जो है वो क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए, तो इस पे बेस्ड हम जो है वो एक एग्जांपल करते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के रूप में हम जो है वो किसी भी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। तो एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये देख लो आपके सामने 1 2 3 4, चलिए ए डैश निकाल लेते हैं, ए डैश, तो देखो इसका ए डैश क्या आएगा, 1 3 रो को कॉलम में बदल दिया, इस रो को भी कॉलम में बदल दिया, ठीक है। अब हम जो है वो एक बार ए प्लस ए डैश निकाल लेते हैं, सो ए प्लस ए डैश, तो देखिए ए प्लस ए डैश क्या होगा, इस 1 को 1 में ऐड कर दूंगा तो 2 हो जाएगा, इस तरीके से 3 2 5 हो जाएगा, 3 और ये 2 5 हो जाएगा, एंड नाउ 4 और ये 4 मिला के 8 हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसी तरीके से ए माइनस ए डैश भी निकाल लेते हैं, ए माइनस ए डैश, तो देखो ए माइनस ए डैश क्या आएगा, ए में से ए डैश को माइनस कर दो, सो 1 - 1 0, 3 - 2 1, 2 - 3 - 1, 4 - 4 0, सही है, ये आ गया मेरे पास में। नाउ अब ये जो है वो फॉर्मूले के रूप में हम जो इसको यूज कर लेते हैं, सो 1/2 ए प्लस ए डैश, ये रहा 2 5 5 8 प्लस 1/2 नाउ 0 - 1 1 0, सॉल्व करते हैं इसको, इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, ये यहां पे ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5/2, इस तरीके से ये भी 5/2, और ये हो जाएगा क्या 4, नाउ प्लस ये 0 - 1/2, सो 1/2 और फिर ये 0, तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखो 1 + 0 सो 1, 5/2 प्लस माइनस माइनस 1/2 सो 5/2 - 1/2, देख लो ये 5/2 - 1/2, एलसीएम लेंगे 2, 5 में 7 चला जाएगा, 4 इसको कट कर देंगे क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ गया 2। इसी तरीके से 5/2 + 1/2 तो 6/2 सो 3 आ जाएगा ना, ये 6 को कट कर देंगे 2 से, इस तरीके से 4 + 0 4, तो क्या ये है मेरे पास में ए मैट्रिक्स, ये तो थी। तो इसी तरीके से मैं बोल रहा था कि किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में या योगफल की फॉर्म में जो है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो फटाफट नोट करिए इसको। अब स्टूडेंट्स एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है ना, काफी देर हो गए जो है वो हम एग्जांपल नहीं लिया है, तो एक एग्जांपल करते हैं आज, काफी अच्छा एग्जांपल है। तो देखिए क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स, हिंदी में बोले तो एक्स के किस मान के लिए, एक्स के किस मान के लिए ये जो इक्वेशन है वो 0 के इक्वल होगी, या 0 मतलब ये ओ ही बोलते हैं हम जिसको, है ना, क्या बोलते हैं, 0 मैट्रिक्स, ठीक है ना,
इसका ऑर्डर क्या है, वन इंटू वन का, यानी सिर्फ और सिर्फ कितना, एक एलिमेंट है मतलब जीरो के इक्वल है, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास में कितनी मैट्रिक्स है, देखो तीन मैट्रिक्स है, तो तीन मैट्रिक्स को ऐसा नहीं कि एक साथ ही मल्टीप्लाई कर दें, सबसे पहले दो मैट्रिक्स को करेंगे, फिर उससे मिला के एक मैट्रिक्स आएगी, फिर उसको तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं इनका ऑर्डर लिख लेता हूं, तो इसका ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, इसका है वन इंटू थ्री, एक रो है और तीन कॉलम है, ठीक है। इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसका ऑर्डर है थ्री इंटू थ्री, और इसकी बात करें तो इसके रो कितने हैं, तीन रो और एक कॉलम है, ये मैंने ऑर्डर लिख लिया। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो चेक करो, देखो यहाँ थ्री और यहाँ थ्री सेम है, बिल्कुल सही है। तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा मेरे पास में, वन इंटू थ्री, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, वन इंटू थ्री होगा, ठीक है। तो यानी सिंपल सी बात है कि उसमें जो एलिमेंट होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, है ना, कहाँ लिखो, चलो यही लिख लेते हैं ना, वो होंगे क्या, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ये होंगे ना, ये देखो वन इंटू थ्री ऑर्डर की जो है वो मैट्रिक्स है मेरे पास में, ठीक है। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने बताया था कि ए वन वन एलिमेंट निकालने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है। चलिए वन को वन से मल्टीप्लाई किया वन, एक्स को टू से मल्टीप्लाई किया टू एक्स, फिफ्टीन को वन से मल्टीप्लाई किया फिफ्टीन, ओके। नाउ इस एलिमेंट को निकालने के लिए फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वन को थ्री से मल्टीप्लाई किया थ्री, फाइव को एक्स से मल्टीप्लाई किया फाइव एक्स, और थ्री को वन से मल्टीप्लाई किया मेरे पास में ये थ्री, ठीक है। इस तरीके से आओ थर्ड फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम इस एलिमेंट के लिए, सो टू को वन से मल्टीप्लाई किया टू, वन को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स, और टू को वन से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास में आ गया टू, क्लियर, बिल्कुल सही है। और ये लास्ट में जो ये मैट्रिक्स है वो मैं लिख लेता हूँ, वन टू और फिर ये एक्स इज इक्वल टू जीरो, सही है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं ना, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो 15 और 1 कितने हो गए 16 प्लस 2x, इस तरीके से ये 3 और 3 मिला के 6 प्लस 5x, और ये हो गया मेरे पास में 4 प्लस x, और ये 1 2 x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो देखो ऑर्डर लिख लो एक बार, तो ये इसका ऑर्डर क्या है 1 into 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 into 1, तो देखिए ये सेम है, नंबर ऑफ जो है वो क्या बोलते हैं कॉलम, और इसमें नंबर ऑफ रोज सेम है, तो इसका मतलब जो नई मैट्रिक्स मेरे पास में आएगी वो क्या होगी, वन इंटू वन की होने वाली है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही रो और एक ही कॉलम है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, है ना, एक ही एलिमेंट आने वाला है, यानी कहने का मतलब है कि ए वन वन आने वाला है, सीधा सा बात करें तो ए वन वन, तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो सीधा सा, तो देखो क्या होगा, ये 16 प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, फिर प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 10x, फिर प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, और इज इक्वल टू 0, सही है। अब देखिए x स्क्वायर तो अलग ही है, इसको अलग कर देते हैं अपन, x स्क्वायर प्लस x x वाली टर्म ऐड कर लेते हैं ना, x x वाली जो टर्म है उनको क्या करते हैं हम ऐड कर लेते हैं, सो देखो क्या होगा मेरे पास में 10x plus 4x plus 2x, now 16x, फिर प्लस उसके बाद में 16 plus 12, so 28 is equal to 0, so ये मेरे पास में एक जो है वो quadratic निकल के आ रही, इस quadratic को जो है वो simply क्या करना है, solve करना है, तो चलिए x square multiply करने पे 28 और add करने पे 16, तो 14 और 2, so ये मेरे पास में हो जाएगा 14x plus 2x plus 28 is equal to 0, so सीधा सा मेरे पास में यहाँ पर आ जाएगा x plus 14 और x plus 2 is equal to 0, so यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आ गई minus 2 comma minus 14, so इस तरीके से जो है वो मैट्रिक्स का इस टाइप का क्वेश्चन करता है ना, कि जो तीन मैट्रिक्स आ जाती है उनको कैसे मल्टीप्लाई करता है, पहले फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करो, उससे जो मैट्रिक्स है फिर नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने के बाद में इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, क्लियर। चलिए तो देखिए एक बार वो भी चेक कर लेते हैं कि देखो ये 3 इंटू 3 है, ये मेरे पास में 3 इंटू 1 है, तो इनसे जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो कौन से ऑर्डर की होगी, वो होगी मेरे पास में 3 इंटू 1 ऑर्डर की होनी है,
तो देखिए ये मेरे पास है 1 into 3, इनसे जो मैट्रिक्स निकल, ये तो पहले मेरे पास में ही है 1 into 3, इसको अलग कर देते हैं। इनसे जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो क्या आएगी, देखो ये सेम है तो नई मैट्रिक्स इस ऑर्डर की होगी, यानी 3 into 1 की होगी। तो देखो ये सेम है तो वापस क्या 1 into 1, तो वही जो है आप अल्टीमेटली यहाँ पे जो है वो किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको जो है वो आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम काफ़ी जो है वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए भी और आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए भी जो है वो एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे रहेंगे। सो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही आपका सपोर्ट जो है वो मुझ पर बनाए रखें। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।